तू कह ला जेड़ा कुछ कहना। एक पट्टी मुकम्मल हो जाएगी यार, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं जी शुरू, तो ये हमारा काम शुरू है, अभी थोड़ा सा ही हुआ है, लगे हुए हैं। तो मैं उधर ही बैठा था सिर्फ चाय का कहने के लिए, घर में आया था, चाय बनानी है उनके लिए, तो अभी चाय लेके जाएंगे उनके लिए। तो मैं तो पहले चारा लेके आया था सुबह के वक़्त, तकरीबन 7 बजे गया था, तो 8:15 आए थे। आज गर्मी काफ़ी थी बाहर, तो जब आए थे भीगे हुए थे काफ़ी, आते मैंने कपड़े चेंज किए हैं, नहाया हूँ, तो फिर उनके पास गया हूँ दोबारा। तो आज मेरा मूड नहीं था कुछ करने का आगे, क्यों मज़दूर लगाया हुआ है, कल भी मज़दूर ही था अकेला, तो मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था सफाई करने के लिए, तो आज वो कर भी रहे हैं साथ और साथ लगा भी रहे हैं। और टस्सू की थोड़ी सी सफाई होती है, जो सीमेंट लगा होता है वो उतारते हैं, तो अभी उधर ही चलते हैं। ये देखें, ये अभी इतना लगा है, इधर तक लगा है, तो अभी ये पूरी लाइन पड़ी है लगाने वाली, और ये हिस्सा मुकम्मल पड़ा है। ये 2 दिन लग जाएंगे। ये पंखा मिस्त्रियों के लिए लगाया था, गर्मी काफ़ी थी इधर, तो उनको हवा देने के लिए ये पंखा भी इधर लगाया था, तो अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। ये 2 दिन ही लगेंगे इस पर, फिर उसके बाद और काम भी है काफ़ी करने वाला, तो फिर उसकी तरफ जाएंगे हम। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ मस्जिद में, जोहर का टाइम है, तो मिस्त्री हजरात भी उधर ही गए हुए हैं। नहीं, मैं सोंदा सी सुबह 10-11 बजे सो जाता सी। चाह होने पर मामा चल चाह तो बहाने ना, इतने बैठा रहा। सही है। नहीं, मैं जाना असर टाइम पानी लाना, चली सुक्की खड़ी है, पानी का पूछा थी, देखो सो तो मैं जाना ही है, मैं 10 के सोना। सुबह से आराम नहीं किया था, तो उसी वक़्त थोड़ा सा जहर के बाद तकरीबन 3 बजे सोया हूँ, तो अभी असर के वक़्त उठ के नमाज़ पढ़ी है। तो आज हमारा थोड़ा सा काम आज का भी था, क्यों जो चरी के पट्टे हैं हमारे, उनको कुछ पानी वगैरह लगाना था, वो पानी मांगती थी, तो आज इस तरफ आए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ये देखें क्यारा मुकम्मल, क्यों इसके इतनी जल्दी पानी नहीं लगता है, कि तिल बीजे हुए हैं, इसको पानी तकरीबन महीने तक के बाद ही जाके लगाया जाता है, लेकिन अभी इसको 10 से 15 दिन हुए हैं, तो ये आगे किसी ने पानी लगाया है, तो उसने पीछे ख्याल नहीं किया, नुकसान हमारा काफ़ी हुआ है। तो ये एक बार का टाइम नहीं है, कई बार हुआ है हमारे साथ, तो आज हमने पीछे इसकी शिकायत की है, जिनका ये मुलाजिम है, तो देखें क्या बनता है। तो हो सकता है, उम्मीद है कि आंदा ये गलती नहीं होगी, तो बाकी अभी ये कई है हमारे पास, तो इधर एक ठल बनेगी हमारी, क्यों इधर से पानी हमने लेके जाना है खाले में, ये खाला जा रहा है आगे, ये खाला जा रहा है आगे, तो वो आगे चरी है हमारी, वो आगे करके उधर हमने पानी लगाना। दोस्त भी मेरे साथ है, उसको मैं साथ लेके आया हूँ, वो सामने खड़े हैं, अब्बा जी के पास खड़े हैं वो, तो पीछे अब्बा जी भी साथ आए हुए हैं मेरे। तो बस ये एक ही ठल बनानी है हमने, और इतना लंबा चौड़ा काम नहीं हमारा, फिर उसके बाद आगे तो आसानी है, सीधा क्यारे में ही जाता है पानी वो।
ये हैं जी बच्चे जो छोटे छोटे से 3 बजे थे, माशाल्लाह कितने बड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी जल्दी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी बड़े हुए हैं। ये आज छोटा भी इधर छोड़ा हुआ है हमने, ये देखें, ये घर में पाला है हमने, फीड भी हमने घर में दी है इसको, सिरिंज के साथ जो इंजेक्शन होता है उसमें दूध डाल के इसको पिलाया है, ये देखें। ये देखें ये फर्श हमारा इतना मुकम्मल हो चुका है, ये थोड़ा सा रहता है, तो कल को हमारा वो लाइन शुरू होगी, ये वाली रहती है। उस वक़्त हम पानी के इरादे से गए थे तो, लेकिन पानी नहीं मिला, बस वो ठल वगैरह बनानी थी वो भी नहीं, मैंने फिर दरमियान में छोड़ दी, क्यों आगे किसी ने पानी लगाना था अभी, तो उनका नंबर था, हमें काफ़ी लेट मिलना था, हमें सुबह को मिलेगा, इसलिए हमने फिर वो अगला काम भी नहीं किया, वैसे ही घर आ गए थे। तो अभी भी 9:30 हो रहे हैं, तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया वीडियो को अपलोडिंग पे लगाया हुआ है, तो अभी जाके कहीं मुकम्मल होने वाली है, पता नहीं आज क्यों नेट की कुछ स्पीड स्लो है जिसकी वजह से कुछ तंगी हो रही है मुझे, तो बस अभी तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे के बाद भी अभी भी 4% पड़ी है, 4 मिनट और टाइम दे रही है हमें, तो नींद भी काफ़ी आई हुई, दिन में भी कम सोया हूँ तो इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।